श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां माँ और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में, ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में, एचडी लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी सिर्फ 25,000 में, जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका एमजी की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पिलर नंबर 1555, चैतन्यपुरी हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9995378555। आज मंगल को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में किशनबाग नाले का दौरा किया गया। इस दौरे का मकसद 4 महीने पहले AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर इस नाले के वाइंडिंग के कामों के लिए सैंक्शन किया गया था, जिसके काम मॉनसून के पेश नजर रोक दिया गया था। पर बारिश के खत्म होने के पेश नजर आज AIMIM बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौजम खान, किशनबाग डिवीजन कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने इस इलाके का दौरा किया और जल्द से जल्द काम शुरू करने की सख्ती से हिदायत दी। इस दौरे में इनके हमरा GHMC ऑफिसर्स और टाउन प्लानिंग के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मौजम खान ने तमाम तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं इसके मजीद तफसीलात उन्हीं की जुबानी, हमारे नुमाइंदे लतीफ कामरान की यह खास रिपोर्ट में SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल SKM 91 करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे किशनबाग कॉर्पोरेटर जनाब हुसैनी पाशा, हमारे पार्टी के लीडर जनाब रहमत बेग साहब, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स, GHMC प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स, टाउन प्लानिंग के ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के सारी ऑफिसर्स मौजूद है। ये दौरा करने का मतलब यही था, किशनबाग का जो नाला सैंक्शन हुआ है हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर, जो ख्वाजा फंक्शन हॉल से लेकर रमनसपुरा, रहमतपुरा, प्रिंस कॉलोनी, बहादुरपुरा, अलहमदुल्ला होटल से क्रॉस होते हुए किशनबाग ब्रिज, वहाँ से होते हुए मूसा नदी तलक जा रहा है। और ये नाला जो सैंक्शन किया गया है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत और जिद्दोजहद से, ये तकरीबन 22,80,00,000 रुपए का नाला है जो काम होने वाला है। डिमोलिशन तो लास्ट 4 मंथ्स पहले किया गया था, जो नाले को प्रॉपर्टीज अफेक्टेड किए जा रहे थे। अब मानसून ख़त्म हो चुका है, बरसात के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स को लेकर आज का दौरा करने का एक ही मतलब था, अगले मानसून से पहले हमारे को ये काम, जितना भी नाला सैंक्शन है जंगी पैमाने के ऊपर, नेक्स्ट मानसून से पहले ख़त्म करना है। उसी के तहत आज का प्रोग्राम रखा गया था है, और इंशाल्लाह ताला आपके चैनलों के ज़रिए ये आवाम भी देख सकती है कि किशनबाग नाले के ऊपर काम चालू हो चुका है। इंशाल्लाह ताला और काम में तेज़ी आएगी, जहां पर भी डिमोलिशन और मकानात करना है वो किया जाएगा, जहां पर भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत पानी के ट्रंक्स जा रहे हैं वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इमीडिएटली वो ट्रंक्स भी हटाए जाएंगे। अलहमदुल्ला होटल के सामने और फीज़ा होटल के सामने जो नाले की क्रॉसिंग है, वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाला है, उसकी डिसविंटिंग होना है और चैनल बनाना है। ये सारे काम आज इंस्पेक्शन किया गया है। इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो चाहती है आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की भलाई के लिए, आवाम को तकलीफ ना हो सके, इसलिए वो काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की MLA, कॉरपोरेटर, वर्कर्स, हम आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिस मकसद से ये नाले की वाइडन कर नाले का काम किया जा रहा है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे बरसात के दिनों में जो आवाम को तकलीफ़ होती थी इस इलाके में और आने जाने वालों को, तकरीबन आगे के कई बस्तियों और लोगों को प्रॉब्लम आता था, वो सारा प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा।
इसके अलावा और प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब भी होंगे आपको इतला दी जाएगी। शुक्रिया।